तो बुक ले बोल रहे श्रेया हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए वापस। वो वाली जो जगह छतरपुर में क्या है, क्या बोलते हैं उसको? मैंने पूछा 2500 का 10% कितना होगा? केरी 150 रुपए। नहीं मैं इस घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं, कुत्ते पढ़ते हैं नहीं ये लोग। हे गाइस, चिया पुडिंग खाई गई आज। ये चूचले तो हमारे घर में चलते ही रहते हैं। ये आई आज। अरे बेटा कल गौरव जी गए थे यूपीएससी का कुछ तो वो करने, अनअकैडमी का शूट करने गया था, बता दिया मैंने। तो बुक ले बोल रहे श्रेया हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए वापस। ठीक है, ये मैं तो एकदम ही नालायक हूं, पता नालायक नहीं आता। मैंने ऐसे किताब खोली, पता मैं कांपना शुरू हो गया हल्का हल्का। ये क्या, ये क्या? मैंने खोली और इजी था, ऐसा नहीं था कि नहीं लगा पा रहा था। बुक तो ले, क्या बुक लेकर आया? सी सैट की बुक लाया। लाना ही वो क्या है, मैंने पहले कभी पता यूपीएससी कुछ देखा ही नहीं है, नथिंग। मम्मी देखो मुझे, सही है, ऐसी जिंदगी ठीक चल रही है, डिनायल में जीते हैं हम लोग। वैसी एक बुक कितना पढ़ना पड़ा यार वो भी, हम निकल गए मतलब नहीं पार लग गई हमारी ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स की। मुझे लगता है एक बार किसी ने तैयारी कर ली यूपीएससी की तो फिर तो वो कुछ और तो कर ही लेगा मोस्टली, नहीं पर वो जाते हैं ना, उनके भी मन में होता है कि पेपर ही निकालते। डिवोर्स के टाइम पे मे बी से फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस बीवी ने नहीं मांगा, आगे जाके बोलती है कि जी अब मैं जरूरतमंद हूं और मुझे चाहिए, पर बीवी ने अब तक दूसरी शादी नहीं करी है, तो भी बीवी मांग सकती है पति से कि मेरे को जी मेंटेनेंस चाहिए। अब डिवोर्स के टाइम पे मे बी से फॉर एग्जांपल आप ये सब क्यों देख रहे हो, नहीं मांगा, मजा आ रहा है जाके बोलती है कि जी अब मैं क्या मजा आ रहा है इसमें। आज हम जा रहे हैं विकासपुरी और विकासपुरी पहुंचने में लग जाएगा मैं 1.5 घंटा। डेढ़ नहीं, आज जल्दी पहुंच जाएंगे एक्चुअली, क्योंकि वो है ना 26 जनवरी तो खाली पड़ा होगा। तो हमने बनाई, मैंने रात की बनाई हुई थी चिया पुडिंग, अब मैं चिया पुडिंग लेके जा रही हूँ। गाइस कल मुझे एक एक लेडी जो बोल एक सेकंड मैंने बोला अरे, तो उन्होंने जैसे मुझे जैसे मैं कल थोड़ा रेडी वेडी होकर गई थी तो बोले अरे आप तो बड़े अच्छे दिखते हो। मैंने बोला हाँ मतलब ठीक है, थैंक यू सो मच। बोले व्लॉग में तो आप बड़े वैसे से दिखते हो, व्लॉग में भी रेडी होकर आऊंगी। Anyways, ये थर्ड रोज का ग्रेनोला होता है, ये दिखाना, इसमें थोड़ा सा मैंने वो डाला। ये देना, ये ग्रेनोला बताओ ना थर्ड रोज का कितना सही होता है। हाँ ये कंपनी है थर्ड, ब्रांड ब्रांड वर्क नहीं है, ब्रांड वर्क नहीं है। ये हम कौन सी जगह पे हुए, ये वो वाली जो जगह छतरपुर में क्या है, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं मुझे, कहीं तो है मिल जाए जो खुला वाला मॉल है, क्या बोलते हैं, अंबावटा। अंबे ये है छोटी सी शॉप है, बहुत ही क्यूट सी है, वहाँ पे ये मिलता है, कॉफी भी बहुत अच्छी मिलती है इसकी, एक वियतनामीज कॉफी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। चलो ठीक है, तो इधर भी हल्का सा इसमें थोड़ा सा वो डाल दो, फ्रूट्स डाल दो। इसमें हमने डाल दिया ये, इसमें डाल दिया ये केला, इसमें डाल दिया ये केला, और फिर हम डाल दिया ये, और फिर हम डालेंगे ये, बस और कुछ नहीं, रेडी है और क्या। अब इसको पैक करो और इसको घुमा। हे विकासपुरी ये देखो हो गया टायर पंक्चर। हाँ बलिनो में चलते हैं, चल हाँ 10 मिनट लगेगा, हो जाएगा 15 मिनट काम। मैं बोल रही हूँ अमेजोन पे मैंने एक सिपर देखा, अमेजोन पे गेस कर उसका प्राइस कितना होगा, वो भी 10,000 50,000 हो सकता है, तुम गेस करो। 12,000 ठीक है, 12,000 का तो पी सकती है सिपर। 12,000 का सिपर, आलिया भट्ट भी नहीं पेगी 12,000 के। मैं अपनी बात कर रही हूँ। लेने का सोच रही थी। आप क्या लोगे? मैं कहा नोनी अगर 3,000 के सिपर से पी रही है तो आलिया भट्ट 12,000 के सिपर से तो पी सकती है श्रेया। 12 भी नहीं, 12,500 यार। तो ठीक है 500 रुपए एक्स्ट्रा चले आएगा। श्रेया मुझे लगा आप कुछ ऐसे एकदम 10-20 लाख रुपए बोल दोगे, नॉर्मल 12,000 का सिपर भी बहुत एक्सपेंसिव, खरीद लो ले लो। आप बोलते हो ना कि मैं अपने गौरव तो मैं 13,000 थोड़ा कुछ करा है, अपने पैसे से करा, कर लो अपने पैसे से जो करना। नहीं तो मैं वो करूंगी ना, मैं कैश ऑन डिलीवरी करूंगी और घर से गायब हो जाऊंगी, तू ही रहेगा जाऊंगी। तो मैं पैसा मैं रिटर्न भी करा दूंगा, मैं नहीं मैडम ले जाऊँ वापिस। मम्मी पहले मेरे कांड पे लगवा दिया ना, नूनू का कांड, अरे वो तो नहीं डालना अच्छा लगता है। वो वीडियो तो मुझे लग रहा है एक दिन नोनी लीक करेगी, हटा देंगे ये वाला, नहीं डाल दे नहीं नहीं डालना बिल्कुल भी, ये वीडियो तो नोनी एक दिन लीक करेगी मुझे लगता है, नोनी की मैं लीक कर दूंगा।
वो वाली परसेंटेज वाली हां जी है? तो वाली डाल ही सकते हैं। अरे यार कहीं कहीं जहाँ कॉलेज में अप्लाई कर रही है वहाँ वो वीडियो ना पहुंच जाए। क्या था नूनू, क्या था इसको, क्या समझ नहीं आ रहा था? मैंने पूछा 2500 का 10% कितना होगा? कह रही 150 रुपए। कितना होगा? अच्छा पच्चीस, मैं पूछता हूँ अभी, बता दे। एक सेकंड, अभी रुक जाओ, एक सेकंड, बता दूंगी। 10,000 का 5% कितना है? नहीं, पहले मैं 2500 का 10% ना, 2500 का। अच्छा, 10,000 का तो बता दे, 5%। 10,000 का 5%, 500 रुपए। अरे मैं सौरभ भैया से बात कर रही थी एडमिशन के लिए, बोल रहे थे कि मतलब बता रहे थे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, तो वो बोल रहे थे कि वो ट्राई करना कि टीयर वन सिटीज में ही मिले तुम्हें। तो मैं उस टाइम सोच रही थी कि टीयर वन सिटी लेने के लिए टीयर वन सब्जेक्ट्स भी तो होने चाहिए। अब इसने करी है फिजिकल एजुकेशन प्लस सोशियोलॉजी, टीचर ने बुला के इकोनॉमिक्स छुड़वाई है उसकी, पता है आपको? जैसे मैंने भैया से पूछा था ना कि 12th के बाद, क्योंकि फिर सब्जेक्ट अच्छे होने से ना थोड़ा वैल्यू ज्यादा होता है, जैसे कि कौन सा सब लेना चाहिए, तो भैया ना कोई भी ले लो, बाद में तो एमबीए करनी है। ये बात भी सही है, अब पता चल रहा है कि बीकॉम वगैरह होती है उसमें सब्जेक्ट्स मैटर करते ना। तो मेरे पे डाल रहे हो क्या सबका? इस घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं, खुद तो पढ़ते हैं नहीं ये लोग। इतना ही चोल होती तो अभी पढ़ लेते यूपीएससी की तैयारी, 4 महीने से खाली बैठे हुए यहाँ पे। तो मैंने नहीं करी ना, मैं तो, पर ठीक है जो भी करा, तो जो मेरे को आता है मैं तो वही बताऊंगा ना भाई। मेरा मैंने भी तो आर्ट्स लिया, ये क्या करेंगे यूपीएससी की तैयारी? इन शक्लों भी लिखा है, देखे यूपीएससी वाले बच्चे कैसे होते हैं। अच्छा, गधे से गधे यूपीएससी क्लियर तो नहीं करते? कुछ मैं बताऊं, कुछ ना नहीं नहीं, वो एक आपने एक गधे को देखा होगा, एक यू नीड अ शॉक, क्या शॉक है बस, उसके बाद अगर आप लग जाते हो ना, धुन चढ़नी चाहिए, अगर धुन चढ़ रही तो बस वो क्या हो, चढ़ नहीं रही ना, कैसे चढ़ाओगे? तो मिक्की दी जो है वो पता है 12th में फेल होने वाली थी, 3rd division था उनका, तो उनको ऐसा वो लगा ना सदमा, क्या ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। फिर उन्होंने सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ऐसा पढ़ती थी वो, ऐसा पढ़ती थी, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए निकाल दिया उन्होंने, पढ़ पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वही है ना, तो मिक्की तो सो 3rd division आया था उनका 12th में, तो इनका ये सब आ तो चुका है श्रेया, आई थिंक रैंक भी आया था उनका। फिर भी वेलकम टू अनदर व्लॉग, आज का व्लॉग जो कि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली व्लॉग में कुछ भी आगे शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, आज मैंने DTU परफॉर्म करा, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बहुत ज्यादा मजा आया बच्चों के साथ परफॉर्म करके। और जब मैं निकल रहा था तो एक बच्चे ने मेरे को देखा नहीं, मैंने उसे, और उसने मेरे मैनेजर को ना कैसे, तो बड़ा अच्छा सा नोट लिखा भाई ने, पूरा 2 पन्नों का 4 पन्ने इनफैक्ट, 1 2 3 4। आयुष जैन नाम है इसका, थैंक यू आयुष सो मच, हमने पूरा पढ़ा भाई, थैंक यू सो मच। मैंने आपको इंस्टा पे सर्च भी करा था, पर आई थिंक आपका पर्सनल प्रोफाइल है तो फिर मैं आपको मैसेज नहीं कर पाया, लेकिन आपने अभी चैनल पढ़ने में शेयर को पढ़ा देता हूँ, सेकंड पेज से मुझे पता है आपने उसके बारे में भी लिखा है, मेरे बारे में लिखा है, वाह यार थैंक्स आयुष। मैं बोल रही थी गौरव कपूर जा रहा है फाइनली गोवा ट्रिप, फाइनली तो नहीं, इतनी तो ट्रिप मारता रहता है अपने दोस्तों के साथ, और ये जो प्लान था ना, ये सारे ये लोग दोस्तों ने बोला था कि सबको ही चलेंगे, कपल ट्रिप करते हैं इस बार, कपल ट्रिप करते हैं। तो अचानक से पता नहीं 10 दिन पहले वो आया कि श्रेया हम लोग सबको जा रहे हैं गोवा, मैंने कहा ये गोवा जा रहे, बोले नहीं हम लोग सबको ही, मतलब सिर्फ लड़के, मैंने बोला ये कब हुआ भाई, सबके सब कैसे ऐसे बैकआउट हो गए और खुद का ट्रिप बना लिया इन्होंने। रोज फोन करता है दोपहर के 11-12 बजे, यार 3 दिन बचे मजा आ जाएगा यार गोवा में, यार गोवा में मजा आ जाएगा यार। तो मैंने बोला कि यार गुबी मैं काम करती हूँ, तुम लोग जाओ अपना ट्रिप पे, मैं अपना गोवा में सोलो ट्रिप कर लेती हूँ, मैं अलग होटल में रह लूंगी ना, तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ठीक है कर लो, मेरे कॉल हम सिर्फ कॉल में बात करेंगे मेरे वहाँ, हाँ आई डोंट माइंड, ठीक है डन, वैसे सोलो का सोलो भी हो जाएगा और मुझे ऐसा भी नहीं लगेगा एकदम ही सोलो है, नहीं वो एकदम ही सोलो है भाई मेरे को, भाई अजय मेरे को भाई, मैंने 10 दिन से पी नहीं है और बिल्कुल भी पीने पे एकदम कंट्रोल पे हूँ, और भाई मेरे को नॉन स्पाइसी चाहिए होगा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, भाई मैं बनाऊंगा, तू क्यों टेंशन ले रहा, ठीक है अजय मैं भी एकदम नॉन स्पाइसी हेल्दी फूड, यस श्रेया को थोड़ा बुरा तो लग रहा होगा ना, बुरा लग रहा है, पूरा ब्लॉग बना के बैठी है, करीब महीने पहले तो ये बातें चल रही थी सब लोग कपल जाएंगे, फिर 10 दिन पहले बोलते हमने अपनी बुकिंग कर ली है, कह रही सारी आपस में बातें कर रही,
साले अपना बुक करके जा रहे हैं। तो श्रेया तो कह रही मैं तो सोलो ट्रिप करने आ जाऊंगी, तुम मेरे से मत मिलो, मैं सोलो ट्रिप करूंगी अपना वहां गोवा में। अरे श्रेया तो बहुत एक्साइटेड थी भाई, श्रेया तो कह रही थी हां चलेंगे चलेंगे भाई, मैं तो मुझे यार ऐसा मौका हमें तो कभी कभी मिलता है ना। हां मुझे नहीं भाई नहीं।